पाठाते तालिबान मौलाना रुकन उद्दीन। सुन लीजिए आप लोग, जो लोग पीरी रोहित की लाइन में सुने उनको, इसीलिए मैंने खालसन सत्र साबरिया के शुयूख को लिया। असर की नमाज की ऐतिहासिक दरगाह शहाबुद्दीन औलिया के तीन रोजा सालाना उसके दूसरे दिन गागर चादरपोशी की गई। इस मौके पर अकीदतमंदों का हुजूम लगा रहा। दूर दराज से आए जायरीनों व अकीदतमंदों ने हाजिरी देकर मन्नतें मांगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फरुखाबाद शहर के लोको स्थित ऐतिहासिक दरगाह शहाबुद्दीन औलिया के तीन दिवसीय उर्स के मौके पर दूर दराज से अकीदतमंदों का हुजूम रहा। सज्जादा नशीन मोहब्बत शाह ने दरगाह शरीफ पर देश में अमन व भाईचारे की दुआ की। शनिवार को लोको दरगाह पर हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी पंजाब शरीफ के कुल शरीफ का अहतमाम किया गया। इस मौके पर पंजाब से आए जायरीनों ने बताया पे आते हैं और हर साल बाबा के लंगर की सेवा करते हैं और ये भी पंजाब से आए हैं। सबसे पहले यही लोग आने शुरू हुए हैं, जहाँ ये भी हमारे गांव के पास के हैं। इनके जो बच्चे हुए हैं घर में, जितनी भी फैमिली हुई है वो इन्हीं की बदौलत, बाबा की बदौलत हुई है। इनके जेठ थे गुरदेव सिंह जी, वो भी यहीं पंजाब में आए। फौजी थे वो बाबा की सेवा में लगे, उनके घर में भी बाबा की बदौलत। तो इनके भाई थे सुखदेव कौर के भाई। तो ये क्या क्या कंपनी आ गया मिलिट्री में थे हमारे घर वाला। आपको मालूम हो कि शाम के वक्त दरगाह शरीफ पर बुलंदशाह बाबा की दरगाह से गागर व चादर जुलूस दरगाह पहुंचा, जहां पर सज्जादा नशीन ने गागर व चादर जुलूस का इस्तकबाल किया। उर्स में शामिल मेहमानों ने खुशी से शाह अम्मार अहमद नैयर मियां ने तकरीर की। मौके पर नायाब सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद वसीम, आकिफ खान, कासिम खान आदि लोग मौजूद रहे, जिसके बाद ऑल इंडिया उलेमा एवं मशाहिक बोर्ड AIUMB के वाइस चेयरमैन शाह अम्मार अहमद अहमदी उर्फ नैयर मियां ने यूपी 76 न्यूज़ को बताया। हमारा पैगाम जो हमारी खानदानों का पैगाम है वो कोई नई बात नहीं है। वो तो जो हमारे जो पेशवाए आजम हैं हुजूर करीम नवाज, जिनको ख्वाजा साहब कहते हैं, उनका तो एक ही उसूल था। वो क्या था? मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। यही पैगाम, यही स्लोगन जो है हमारी पूरी जद्दोजहद का हिस्सा, और यही पैगाम लेकर के हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर। और खानकाहों और दरगाहों के अंदर किसी भी मजहब से कोई जो है तफरीक नहीं की जाती। खानकाहों और दरगाहों का दरबार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए ओपन है और सब के लिए पैगाम मोहब्बत। एक सवाल और है, ये ताकि दरगाहों पे औरतें नहीं जाती मगर ज़्यादातर औरतों ज़्यादातर जाती हैं। और ये इख्तलाफी मसला है, बाज़ उलमा मैंने अभी इसको बयान किया कि औरतें पर्दे में जाएं। मर्दों के देखिए इस्लामी शरीयत में जो है वो ये है कि मर्द औरतों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ से उनका मर्दों के साथ हर वक्त हो। अगर वो पर्दे में जाएं, मर्दों के साथ हर वक्त ना हो, कोई फितने का अंदेशा ना हो तो जा सकती हैं। लेकिन हाँ, पर्दे में जाएं और मर्दों के साथ हर वक्त ना हो और कोई फितने का अंदेशा ना हो, जाए।